हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये बैग बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों साइड में हमने यहाँ पे हैंडल डिजाइनर बनाए हुए हैं, इस तरीके से जिप लगाई हुई है और यहाँ पे ये साइडों में बेस बनाया हुआ है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, जो आपने बैग का डिजाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये मटेरियल लिया हुआ है। तो ये तो हो जाती है हमारी जिप, इस पॉइंट पे लगेगी, दो रनर हो जाते हैं, दो हमारी यहाँ पे पाइपिंग पट्टी हो जाती है, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए, और दो पीस हमारे यहाँ पे ये हैंडल के हो जाते हैं, जिनका साइज है हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये होगा 18 इंच का, और ऐसे रखना है 3 से 3.5 इंच का। तो ये दो पीस हमारे हैंडल के हो जाएंगे। और ये जो हमने पीस लिया हुआ है, कुल्टिंग किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए नीचे की साइड हमने अस्तर लगाया हुआ है और बीच में हमने रबड़ सीट लगाई हुई है। ये वाली बीच में हमारी रबड़ सीट होगी जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, और ये हमारी सीधी साइड रहेगी। इस तरीके से देखेंगे तो साइज हमारा यहाँ पे आएगा 25.5 इंच, 25.5। इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा 14 इंच आएगा, 14 इंच। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नीचे की साइड, जैसे ये तो पतला अस्तर हो जाता है, हमें एक कपड़ा और लगाना है। तो ये है हमारे पास कपड़ा, ये हम कटिंग कर लेंगे सेम साइज का। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये नीचे की साइड रखते हुए अस्तर कटिंग कर लिया है। अब हम मशीन पे चलेंगे और सीखेंगे इसको बनाने का तरीका। दोस्तों, स्टिचिंग में सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक जो होता है, ये हमने जो कुल्टिंग किया हुआ है और जो अस्तर है, ये आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हम चारों साइड से एक पैर का या आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अस्तर हमने यहाँ पे चारों साइड से जोड़ लिया है। अब हम पाइपिंग पट्टी लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। पलटने के बाद ऐसे पलटेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद जिप लेंगे, यहाँ पे है जिप, और इसको ओपन कर लेंगे दोनों भाग अलग अलग करते हुए। एक भाग यहाँ पे नीचे से रखेंगे ऐसे, और फिर से इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस जिप को स्टिच करेंगे। देखिए जिप हमने स्टिच कर ली है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी, यहाँ पे इस साइड में भी ये पाइपिंग पट्टी लगाएंगे और जिप लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड में हमने यहाँ पे जिप लगा ली है, ऊपर पाइपिंग लगा ली है। इसके बाद हमें लगाने हैं यहाँ पे हैंडल। तो ये हम हैंडल तैयार करेंगे। ये है हमारे पास हैंडल का कपड़ा, तो एक हैंडल में आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने ये ली है रबर सीट, जो कि हमें हैंडल के बीच में लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे हम ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पे नोक बनाएंगे इस तरीके की। आप बाद में बना सकते हैं, पहले बना सकते हैं, अगर पहले बना लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये नोक बना लिया मैंने, ऐसे सेम नोक हम इस साइड में बना लेंगे। नोक बनाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, और तकरीबन हम 2 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। जो हमारी सिलाई है इसी के ऊपर हमारी यहाँ पे सिलाई आ जाएगी। दूसरी साइड भी 2 इंच पहले ही हम सिलाई को पूरा कर देंगे। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे हैंडल बन जाएगा, जैसे आपने देखा होगा रेडीमेड में होते हैं ये वाला। तो दोस्तों जब हमारा हैंडल यहाँ पे तैयार हो जाएगा तो इसको हमें अटैच करना है यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे सेंटर पॉइंट हमने बनाया है, उससे हमने 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर दोनों साइड निशान ये लगा लिए हैं। इस साइड भी 2.5 इंच रहेगा सेंटर से और इधर भी 2.5 इंच रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं, और इसकी लेंथ आपने ध्यान रखनी है बराबर हमारी दूसरी हैंडल की भी होनी चाहिए। ये देखिए तैयार होने के बाद 17.5 हमारा तैयार आता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और स्टिच करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पे भी हम कर देंगे ऐसे ही, साइज सेम रखेंगे ये ध्यान रहे। जैसे दोस्तों हमने इस साइड में हैंडल अटैच किया है, सेम इसी तरीके से हम इस साइड में भी यहाँ पे हैंडल अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों साइड में इस तरीके से हैंडल जो है कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद डाल लिए हैं यहाँ पे रनर दोनों। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट बनाना है, यहाँ से नीचे इस तरीके से कट लगा देंगे दोनों साइड, ऐसे ही सेंटर पॉइंट बनाएंगे। और इसमें हमें साइड में एक पीस डालना है, तो ये सबसे पहले इसकी लेंथ जान लेते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा ये तकरीबन 12.5 इंच का है, तो 12.5 के हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये पीस लिया है इस तरीके से, इसका इसकी जो चौड़ाई है 8.5 इंच की है, तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे डबल इस तरीके से, और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे ऐसे ऊपर से भी हमारा ये इस तरीके से आना चाहिए निशान ऐसे। तो इसका अब हम पूरा एरिया नापते हैं कितना बनता है, तो यहाँ से ऐसे नापते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर ये कम ज़्यादा होगा तो अभी हम इसको कर सकते हैं, बाद में फिर दिक्कत आएगी। तो ये अभी ज़्यादा है तो इसको थोड़ा और छोटा करेंगे,
थोड़ी थोड़ी चौड़ाई भी कम कर लेते हैं। एक बार फिर से नापते हैं। तो ये अब ठीक आ जाएगा, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे और बाद में इसको रख के एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले जो अस्तर है ये हमारा अलग हो चुका है, इसको हम इसके ऊपर सिलाई से अटैच कर लेते हैं। नीचे भी सेंटर पॉइंट बनाएंगे और यहां से इसको सेट करके देखेंगे कि ये हमारा कम ज्यादा तो नहीं है। ये सेंटर नीचे का है और यहां से हम इस तरीके से नापते हुए चलेंगे। ऊपर का सेंटर हमारा जिप वाले पॉइंट पे आना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है, यहां पे आ रहा है। तो सेम इसी साइज का हम एक पीस और कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दो पीस हमने यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पे स्टिचिंग के लिए हमने बैक को उल्टा कर लिया है और यहाँ पे रखेंगे ऐसे सेंटर पॉइंट मिलाते हुए। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड भी हमारा सेंटर मिलना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। डबल सिलाई कर लेंगे यहाँ पे पूरे इस पे ताकि अच्छे से मजबूती आ जाए। देखिए पूरा पीस हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है ऐसे। अब हम दूसरी साइड भी दूसरे वाला पीस ये वाला यहाँ पे भी अटैच कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों दोनों साइड के पीस हमने यहाँ पे लगा लिए हैं और पूरा बैग हमारा हो गया है तैयार। ये देखिए सीधा कर दिया हमने पलटते हुए और बैग की शेप देख ही रहे होंगे आप कितनी प्यारी सी यहाँ पे आई है और पूरे हैंडल भी हमारे जिप वगैरह सब कुछ बिल्कुल ओके यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुका है और पूरा बैग हमने यहाँ पे तैयार करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।